Uh, एक एंटी इस्लाम डच पॉलिटिशन है जो ये कहते हैं द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन नीदरलैंड जो है वो इस्लामाइजेशन है uh, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम कुरान को कुरान को भी बैन कर देंगे और मस्जिदें भी बंद कर दूंगा सो आई बिकॉज़ आई बिलीव दैट नोबडी

एक के हवाले से मैंने कभी नहीं देखा, देखा। ना किसी को डॉक्टर साहब और भी कम्युनिटीज ऐसी हैं जैसे हिंदूज हैं सिख्स हैं ज्यूस हैं क्या उनके भी ऐसे कोई बिलीव्स होते, है, है, है. होते हैं कि वो अपने आप दूसरों पर मुसलत करना चाहते हैं या उन कल्चर से थोड़ा जो है वो Uh, करते हैं या अपनी आइडेंटिटी रखना चाहते हैं या कि ये सिर्फ मुस्लिम कर रहे हैं ये में कहा था कि अगर वो पीएम बनते हैं तो कुरान पर लगा देंगे मस्जिदों को बंद कर देंगे so, देगी इस्लामिज्म का जो घोल है ना सर ये सिर्फ वो बेचारे लोगों को पिलाने के लिए एंड इट इज बीइंग यूज्ड पहले अमेरिका यूज करता था इस्लामिज्म को कैसे करा आपने देखा अफगानिस्तान में क्या किया है लोगों ने जो बड़ी खबर चल रही है वो ये चल रही है कि एक, एक एंटी इस्लाम डच पॉलिटिशियन है जो ये कहते हैं द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन नीदरलैंड जो है वो इस्लामाइजेशन कि नूपुर शर्मा इज़ अ हीरो और नूपुर शर्मा ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच कहा है और यही इस्लाम की असलियत है नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है अभी भारत में कुछ टाइम पहले नूपुर शर्मा ने जो विवादित बयान दिया था इस्लामिक धर्म को लेके मुसलमानों के बारे में जो बात कही थी उसको लेके उनको बहुत सारी धमकियाँ झेलनी पड़ी थी भारत के अंदर से ही उनको बहुत सारी धमकियाँ मिल रही थी रेप की धमकी या उनको उठवा लिया जाएगा मरवा दिया जाएगा तरह तरह की धमकियाँ उनको सुनने को मिल रही थी भारत के अंदर से ही लेकिन कोई भी सपोर्ट नहीं था लेकिन नीदर के नीदरलैंड के जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं पी की पोस्ट के लिए उन्होंने खुलकर इस चीज़ को नूपुर शर्मा को सपोर्ट किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि बाकी धर्म जितने भी हैं जैन हिंदू ये लोग कभी भी फैक्ट्स के ऊपर जो बात होती है उन पर कभी भी बवाल नहीं करते कोई दंगे फसाद कोई भी विवादित विवाद नहीं करते किसी चीज़ को लेकर लेकिन जो इस्लाम है ये बहुत ज़्यादा धर्म को लेकर अपने विवाद करते हैं

Uh, और उन्होंने कहा ये एक एग्जिटेंशल थ्रेट है हमारी आइडेंटिटी को हमारी पहचान को हमारी आज़ादी को uh, अब वो ये जो क्वेश्चन है डच पॉलिटिक्स में बड़ा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है और uh, जिसे वो कहते हैं ना कि uh, uh, बड़े रेडिकल क्लेम्स हैं हम ये समझते थे uh, कि ये जो uh, ये जो जो रेडिकलाइजेशन है नॉर्मली ये समझा जाता है कि जो इस्लामिक सोसाइटीज़ में है मुसलमान मुल्कों में है वो वायलेंट हो जाते हैं लेकिन बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक में ये चीज़ें देखी गई कि बड़े हार्ड लाइनर्स पॉलिटिशनस हैं आप फ्रांस में चले जाएँ तो मरीन लेपेन है वो बहुत हॉकिश हैं अभी ये जो हैं गेट बिल्डर्स जो हैं अगर आप इनको देखें तो ये भी बड़े जो है ना वो हॉकिश लीडर हैं और अब पूरा इस वक्त सारी ग्लोबल प्रेस देखें एक ही बात की जा रही है एंटी इस्लाम पॉलिटिशियन हर बीबीसी को आप देख लें तो वो भी यही कहेगा एंटी इस्लाम पॉपुलिस ली, जो लीडर है ड्रामेटिक विक्ट्री ये हैं नीदरलैंड्स के बनने वाले नए प्राइम मिनिस्टर अब इनकी ख़ास बात क्या है ख़ास बात यह है कि यह नूपुर शर्मा के समर्थक हैं जी हाँ वही नूपुर शर्मा जिनको इस्लामियों ने सर तन से जुदा की धमकी दी थी और उस समय पर जब भारत में उनका कोई समर्थन नहीं कर रहा था तब नीदरलैंड की जो पार्टी है उनकी एंटी इस्लामिक एंटी इमिग्रेशन पार्टी है वीवीवी, वी वी उसके जो अध्यक्ष हैं शीख तो विल्डर्स उन्होंने खड़े होकर कहा था और ट्वीट किया था ओपन में कहा था और ये कहा था कि नूपुर शर्मा इज़ अ हीरो और नूपुर शर्मा ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच कहा है और यही इस्लाम की असलियत है सबसे अधिक विरोध उनका जो है वो इस्लाम से है वो कहते हैं कि ये जो कुरान है ये मानवता की विरोधी है वो कहते हैं कि क़ुरान को मैं नीदरलैंड्स में बैन कर दूंगा और सब और भी कम्युनिटीज ऐसी हैं जैसे हिंदूज़ हैं सिख्स हैं जूस हैं क्या उनके भी ऐसे कोई बिलीव्स होते हैं कि वो अपने आप दूसरों पे मुसलत करना चाहते हैं या उन कल्चर से थोड़ा जो है वो डायसेकट करते हैं या अपनी आइडेंटिटी अलहदा रखना चाहते हैं या कि ये सिर्फ मुस्लिम्स कर रहे हैं ये मुसलमानों का ज्यादा एक तो है कि जो सबसे बड़ा ग्रुप है पंद्रह से बीस मिलियन वो तो मुसलमानों का है ना क्योंकि दुनिया में मैंने कभी किसी हिंदू को सोसाइटी के अंदर एक इशू के हवाले से मैंने कभी नहीं देखा ना किसी बुद्धिस्ट को देखा है सरदार जो है उनका सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि अगर वो आ, वो पहनते हैं ना अपनी टर्बन तो वो कहेंगे जी हम बस भी चलाएंगे तो अपनी टर्बन पहनेंगे इस किस्म की कोई बात होती है उनकी वहाँ पे भी क्या कॉम्प्रोमाइज़ होता है नहीं होता आई डोंट नो लेकिन सरदारों ने इसके अलावा कभी कोई और शोशा नहीं आ छोड़ा लेकिन एवरी डे यू विल फाइंड मुस्लिम्स इन सम वे गेटिंग इन्वॉल्व और फिर जो आजकल क्रिमिनल गैंग्स बहुत ज़्यादा हैं वो मिडल ईस्टर्न बेस है उनकी इतफाक से वो भी हमारे जैसे कल्चर से आए हुए हैं तो ये सारी चीजें जो है ना द इंक्रीज इन वायलेंस क्राइम ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है बट मगर ये एक प्रिवेलिंग ट्रेंड है यानी ये एक नहीं कि एक ही मुल्क में हो रहा है देखे जहां मैं रहता हूँ स्वीडन में वहां पे जो सबसे बड़ी पार्टी नंबर टू है हमारी पार्लियामेंट में वो ओपनली एंटी इमिग्रेशन पार्टी है बेसिकली एंटी मुस्लिम पार्टी है उसे कहते हैं स्वेरियस डेमोक्राथर स्वीडिश डेमोक्रेट्स नॉट सोशल डेमोक्रेट्स वो तो है ना एक बिल्कुल मुख्तलिफ सोच के मालिक हैं ये हैं कि स्वीडन फॉर द स्वीड्स अब ये विल्डर जो है ये तो सरे फरिस्त पे है उन लोगों को जो ओपनली एंटी मुस्लिम है और इसने कई दफ़ा कहा भी है कि मुसलमान जो हैं वो जडियो क्रिश्चन ट्रेडिशन जो है सिविलाइजेशन उसका बिल्कुल हिस्सा नहीं है इनको यहाँ से निकाल सो so, ये इस्लामिज्म का जो घोल है ना सर ये सिर्फ वो बेचारे लोगों को पिलाने के लिए एंड इट इज बीइंग यूज्ड पहले अमेरिका यूज करता था इस्लामिज्म को कैसे करा आपने देखा अफगानिस्तान में क्या किया है लोगों ने सो so, दे इस्लामिज्म वैसे भी खराब है मैं जो बोलता हूँ ना सर जो मेरा नैरेटिव है कि जो यूज है ना इस्लामिज्म का देखिए जी जो जहर होता है वो तो जहर है अब hmm. जहर में आप उसको यूज करके किसी के किसी को चोरी छुपे खिलाओगे तो वो वो ज्यादा ख़राब ख़राब है है। कि जहर ज़्यादा जो लेफ्टीज़ भी आज हैं, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है पूरे यूरोप में प्रोटेस्ट चल रहे हैं अपनी सोसाइटीज इनके अंदर से खत्म हो रही है क्राइम रेट एंड एंड दैट इतना इनके थेफ्ट्स हैं इतनी प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं समथिंग हैज टू ब्रेक देखना यह है कि मुसलमानों के लिए क्या चैलेंजेस बनते हैं वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे क्या मुसलमानों को टफ टाइम मिलेगा जैसे रिसेंटली स्वीडन में हमने देखा डेनमार्क में देखा बहुत सारे इश्यूज हुए लेकिन ये एक वेव कितनी को चलती है ठीक है जी आप 37 सीट्स ले जा चुके हैं इनके और बाकी जो जमाते हैं Uh, वो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़ हैं uh, लेकिन ये क्या कर सकेंगे क्या होगा कैसे होगा ठीक uh, है जी uh, और uh, ये एक uh, ये जो ये जो सुनामी और वजायल एंड इमिग्रेशन जो है ये सारे मैं मैं आई हैव सीन दिस इन यूरोप मैंने यूरोप में ये चीज़ें देखी हैं कि तो लोग अब बहुत ज़्यादा इस पर कंसर्न हो गए हैं ये प्रमार अगर इस्लामिक ना भी हो तो आप देखें कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल भारत से बांग्लादेश से नेपाल से पूरी दुनिया से इमीग्रेशन हो रही हैं और लोग बाहर जाना चाहते हैं काम